आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसका वर्ड बाय वर्ड ब्रेकडाउन करके और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, ताकि जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उनमें हमें आसानी हो सके किसी भी प्रोग्राम को समझने में। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं इस वक्त विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, और तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं एक कंसोल एप्लीकेशन चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा। यहाँ से हम लोग एम्प्टी प्रोजेक्ट को चूज करेंगे, बिकॉज मैं ATL और जो MFC क्लासेस हैं उनको यूज नहीं करना चाहता, तो मैं स्क्रैच से अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सोर्स फाइल ऐड करेंगे। सोर्स फाइल ऐड करने के दो मेथड्स हैं, या तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड पे जाकर न्यू आइटम पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ये शॉर्टकट दी गई है हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए। ये मेरे पास मेरी सोर्स फाइल आ गई है। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं ये CPP फाइल चूज करूंगा या मैं हेडर फाइल चूज करूंगा। हेडर फाइल हम किस सीन में यूज करते हैं, किस सिनेरियो में हेडर फाइल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और कब नहीं करेंगे, इसको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग ये CPP फाइल चूज करते हैं और इसको हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं। तो जी, ये मेरे पास मेरा जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर इस वक्त मेरे प्रोग्राम का, सॉरी मेरे प्रोजेक्ट का क्रिएट हो चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक हेडर फाइल लिखते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं जी, समझने में ताकि और देखने में आसानी रहे। और इसके बाद ये मेरी हेडर फाइल आ चुकी है। यहाँ पर हम एक नेम स्पेस इंक्लूड करवाते हैं। अच्छा, मैं अभी सबसे पहले प्रोग्राम लिख रहा हूँ। इस प्रोग्राम को लिखने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे या इसको ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ताकि हमें समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम लिख देता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, और अब हम इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारा डिजायर्ड प्रोग्राम है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ये लें जी, हमारा प्रोग्राम चल चुका है। इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले जी, मेरे पास ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं जी, ये मेरे पास मेरी हेडर फाइल है, इनको हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी कहते हैं। हेडर फाइल, या हम इसको कह सकते हैं जी, इन दोनों को, नेम स्पेस को और हेडर फाइल को कंबाइन करके हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी कह सकते हैं, या हम इसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हेडर फाइल तो मैंने इसको कह दिया, लेकिन हमने कहा था कि हम वर्ड बाय वर्ड इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या मतलब है। ये जो लफ्ज आपको इस वक्त नजर आ रहा है, जो करेक्टर नजर आ रहा है, जिसको हम लोग नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में जिसको हम हैश कहते हैं, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नॉर्मली जो हम लोगों के प्रोग्राम्स हैं उनके बिगिनिंग में आता है, और ये एक ऐसा करेक्टर है जो के सोर्स कोड को रिप्लेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअल में कंपाइलर जो है वो इसको पढ़ के इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकालता है। ठीक है, मैंने कहा कि जी मैं एक हेडर फाइल यूज कर रहा हूँ, और उस हेडर फाइल का जो नेम है वो है मेरे पास आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम बेसिकली मेरे पास मेरी एक क्लास है, और इस क्लास को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं टू सब क्लासेस में, यानी कि आईओ स्ट्रीम जो है वो कम्बिनेशन है टू क्लासेस का। आईओ स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, तो जो सब दो सब क्लासेस होंगी इसकी वो होंगी हम लोगों के पास इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो
चूंकि ये हेडर फाइल है, अब ये लाइन क्या करती है, हेडर फाइल के अंदर हमने कुछ कोड पहले से ही डेवलपर्स ने लिखा होता है, या जो लैंग्वेज के डेवलपर्स हैं या जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने हमें हेल्प आउट करने के लिए कुछ कोड लिखा हुआ है कि कंसोल पर जो आउटपुट जाती है वो किस तरह से आती है, यूजर से जो इनपुट लेनी है वो किस तरह से लेनी है, जो स्ट्रीम्स हैं वो क्या हैं और स्ट्रीम बफर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम जो कि बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजों से रिलेटेड जो कोड है वो यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज ये लैंग्वेज इतनी टफ हो जाती कि इसके बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता कि हमने इसमें कोड किस तरह से करना है। तो हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये हेडर फाइल बनाई गई डेवलपर्स की तरफ से। और अब हमने क्या करना है, अब हमने उस फाइल का जो कोड है वो हमने इस फाइल में ऐड करवाना है, क्योंकि हम जो कोड लिख रहे हैं हम इस फाइल के अंदर लिख रहे हैं ना कि इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर वो तमाम कोड जो कि हमारे कोड से रेलेवेंट है, कि कुछ क्वेश्चन जैसे सेमी कॉलन का क्या मतलब है, सी आउट क्या है, ये इंसर्शन ऑपरेटर है ये क्या है, ठीक है, ये ब्रेसिस है, ये मेन फंक्शन है क्या करता है, ये सारी चीजों से रेलेवेंट जो कोड इस फाइल में पड़ा है ये लाइन इसको कोड को वहां से उठा के इस लाइन की जगह पे पेस्ट कर देगी, ठीक है। एक्चुअल में होगा ये कि ये लाइन खुद रिमूव हो जाएगी और इसका जो कोड है इस फाइल का वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इस फाइल के अंदर वो तमाम कोड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा था कि हैश क्या है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और कंपाइलर इसको क्या करता है जी, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने से पहले चीज़ों को प्री प्रोसेस करता है। प्री प्रोसेस करने का मतलब ये है कि वो इसकी एग्जीक्यूशन से पहले जो जो काम करने वाले हैं नेसेसरी इसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, एक्चुअल में हमें कहना चाहिए कि सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए वो तमाम काम कंपाइलर करेगा जस्ट इस एक डायरेक्टिव को पढ़ के। उसके बाद यहाँ पर जो है ये एक कीवर्ड है इंक्लूड जिसको हम कहते हैं, ये हमें इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करवाने में मदद करेगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। तो कीवर्ड्स आपने सिर्फ ये समझना है कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, हम इनको सिर्फ उन्हीं पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं जिन पर्पसेस के लिए डेवलपर्स ने या जो लैंग्वेज के क्रिएटर्स हैं उन्होंने इनको बनाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट जी हम लोगों के पास यूजिंग है, यूजिंग भी हमारे लोगों के पास एक डायरेक्टिव है, और ये यूजिंग चूंकि हमें बता रहा है कि जी मैंने क्या करना है, जी आपने यूज करना है, किसको यूज करना है, आपने एक नेम स्पेस को यूज करना है, ठीक है, नेम स्पेस को यूज करना है, और उस नेम स्पेस का नेम क्या है, एसटीडी, ठीक है जी। तो नेम स्पेस क्या होती है हम लोगों के पास, नेम स्पेस एक्चुअल में एक फाइल होती है, ठीक है, ये एक फीचर है जो कि सी प्लस प्लस में ऐड करवाया गया था लेकिन ये सी में एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। ये एक डिक्लेरेटिव रीजन होता है जिसका एक स्पेसिफिक स्कोप होता है, और यहाँ पर हम अपने आइडेंटिफायर्स जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी टाइप्स के नेम्स लिख सकते हैं, फंक्शंस के वेरिएबल्स लिख सकते हैं इसके अंदर, और हम यहाँ पे मल्टीपल नेम स्पेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ नेम स्पेसेस हमें डेवलपर्स की तरफ से बनी बनाई मिली हैं, जैसे हम लोगों को हेडर फाइल्स कुछ मिल जाती हैं इसी तरह से नेम स्पेसेस भी हैं, जिनमें से वन ऑफ देम जो है वो एसटीडी है जिसको हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं, एसटीडी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। तो इस आप अपनी हम अपनी भी नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट करेंगे, क्यों क्रिएट करेंगे, इसको हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत थी कि हम एक नेम स्पेस यूज कर रहे हैं और उस नेम स्पेस का जो नेम है वो एसटीडी है, और ये एक डायरेक्टिव है जो कंपाइलर को बता रहा है कि आपने एक नेम स्पेस यूज करनी है और उस नेम स्पेस का नेम एसटीडी है। देन जो चीज है जी हम लोगों के पास वो एक कीवर्ड है अगेन void, void means nothing। अब इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये क्या है जी, ये मेरे पास एक आइडेंटिफायर है, अब ये आइडेंटिफायर भी है लेकिन साथ ही साथ ये एक कीवर्ड भी है मेन, और इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है इस लैंग्वेज के अंदर, इसका मतलब ये है कि ये इसको हम किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते फॉर द टाइमिंग। अभी आपने यही समझना है कि ये कीवर्ड है जो कि एक्चुअल में है, लेकिन इसका जो फर्दर मीनिंग है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेन एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कि जी नॉर्मली ये कहा जाता है कि जी हमारे जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होती है, दैट इज एक्चुअली ट्रू, बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता, ठीक है, किन केसेस में ऐसा नहीं होता वो हम डिस्कस कर लेंगे साथ साथ, लेकिन अभी के लिए आपने सिर्फ यही समझना है कि जी मेन वो पॉइंट है जहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अब हम कहते हैं जी ये मेन फंक्शन है, तो हमें कैसे पता चला जी कि ये मेन फंक्शन है, तो सिंपली आपने ये याद कर लेना है कि अगर किसी भी आइडेंटिफायर के बाद आपको ये पैरेंथेसिस नजर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ एक फंक्शन है, ठीक है जी। ये क्या था, मेरा आइडेंटिफायर था
या मैं इसको कीवर्ड कह लेता हूँ, और उसके बाद अगर मुझे पैरेंथेसिस मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन है। और अगर फंक्शन नेम से पहले, क्योंकि अब ये फंक्शन है तो ये फंक्शन का नेम कहलाएगा, फंक्शन नेम से पहले आपको कोई चीज लिखी हुई नजर आए वो होती है फंक्शन की रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप एक्चुअल में कि ये फंक्शन मुझे रिटर्न क्या करेगा। ठीक है, रिटर्न से मुराद ये है कि फंक्शन जो होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, या सिंपली हम इसको कह लें कि फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन, जिसको हम कुछ इनपुट्स देते हैं वो उनको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस के बाद उसने हमें आउटपुट देनी है। तो ये वो चीज़ है जो हमें बताती है कि ये आउटपुट जो मिलेगी हमें इस फंक्शन से वो किस टाइप की होगी। तो यहाँ पे ये वॉइड है, वॉइड का मतलब है कि कुछ भी नहीं, तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, अब ये रिटर्न में जाता कहाँ पे है, इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देन हम लोगों के पास ये दो कर्ली ब्रेसेस आ रही हैं, यानी कि जो दो पैरेंथेसिस हैं, इसके बाद अगर हमें ये कर्ली ब्रेसेस मिल जाएं तो इसे हम कहते हैं कि फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई है, और इस पूरे को हम कहते हैं कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, ये पूरा क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन, और फंक्शन नेम के बाद अगर हमें कर्ली ब्रेसेस मिल जाएं तो ये क्या है, ये फंक्शन की बॉडी है। देन हम लोगों के पास जो है जी, ये एक कंसोल आउटपुट जिसको हम सी आउट कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास आउटपुट स्ट्रीम का, ओ स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम, उसका एक ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास जिसको हम सी आउट कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, आउटपुट ऑपरेटर कहते हैं, पुट टू ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है जी हम लोगों के पास, नेक्स्ट हम लोगों के पास ये एक स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रिंग लिटरल भी कहते हैं। देन अगेन मेरे पास इंसर्शन ऑपरेटर है, और मैंने एक मैनिपुलेटर यूज किया है जिसको एंड लाइन कहते हैं, ये एंड लाइन का मैनिपुलेटर है, और ये क्या करेगा, जैसे ही ये मेरी आउटपुट कंप्लीट होगी उसके बाद ये लाइन ब्रेक कर देगा, और नेक्स्ट जो भी मेरे पास स्टेटमेंट होगी उसको न्यू लाइन में ले जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट पर मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज किया है। इसके बाद मेरे पास मैंने सिस्टम का एक कीवर्ड यूज किया है जी, ये क्या करेगा, ये मेरे सिस्टम की हेल्प लेके, अब मैंने इसको एक कमांड दिया, वो कौन सी कमांड है, वो पॉज की कमांड है कि आपने कंसोल को रोकना है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं आउटपुट भेज रहा हूँ कहाँ पे भेज रहा हूँ, कंसोल की तरफ भेज रहा हूँ। अब ये आउटपुट जब कंसोल पे जाएगी तो कंसोल पे डिस्प्ले होने के बाद कंसोल बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस का कंसोल ओपन किस काम के लिए हुआ था, ये आउटपुट दिखाने के लिए, जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा तो कंसोल बंद हो जाएगा। अब ये काम इतनी तेजी से होता है कि हमें नजर भी नहीं आता सम टाइम के कंसोल ओपन हुआ और बंद हो गया, तो ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्या मेरा प्रोग्राम चला या नहीं चला, या मेरी जो आउटपुट आई है वो ठीक आई है या गलत आई है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें कंसोल को रोकना पड़ता है। तो ये कुछ वो स्पेसिफिक वेज में से एक तरीका है जिसकी मदद से हम कंसोल को रोक सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, गेट सी एच है, गेट सी एच ई है, और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, रिटर्न जीरो समटाइम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे इंट यूज करेंगे तो साथ रिटर्न जीरो यूज करना पड़ेगा। तो इन काफी सारे तरीकों से हम कंसोल को रोक सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ देम। अब देखते हैं कि जी कुछ चीजें हम मिस कर गए थे दरमियान में यहाँ पर, कि इस फंक्शन को कॉल कौन करवाता है। अब ये सारा का सारा काम कहाँ भी कर रहे हैं हम, एक आईडीई यूज कर रहे हैं जिसको हम विजुअल स्टूडियो कहते हैं। ये पूरा एक एनवायरनमेंट है जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। अब इस एनवायरनमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, इस एनवायरनमेंट के अंदर काफी सारी सिस्टम की चीजें हैं जो कि इसको आईडीई को जरूरत पड़ती है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है। अब ये जो काम कर रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर काम करने की वजह से इस फंक्शन की जो कॉलिंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है, कि मेरे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अगर मेरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी तो इसको कॉल कौन करेगा, कोई बंदा तो है नहीं, या कोई और फंक्शन जिसने इस फंक्शन को कॉल करवाना है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस फंक्शन को जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, और जो वैल्यू ये रिटर्न करवाता है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है, लेकिन इस केस में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, तो ये था जी हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, और किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है, किस केस में किस टाइप का वेरिएबल लेना है हमने। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन, ओके बाय।